ये जहाँ हम हैं ये तो धनंजय सिंह का क्षेत्र है। धनंजय भैया का भी अच्छा है, ये बात नहीं है, लेकिन एक सीट थोड़ी होता है, कुछ एक सीट से कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, यानी जो इंडिया गठबंधन बना है हाँ उसमें उसमें हो जाएगा, उसमें जरूर हो जाएगा, अभी नहीं होता कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा कभी अभी नहीं होगा, यानी इस बार माहौल बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सरकार जब से आई है ये देखिए कई कामों से तो लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पहुंच गया है भाई साहब। बाबा जी तो कह रहे हैं कि गुंडाई एकदम समाप्त हो गई। नहीं नहीं, गुंडाई कैसे समाप्त हो गई, अभी हम उसी के शिकार हुए हैं। अच्छा क्या, तो बड़ा दावा कर रही है 400 पार। बाबा तो झूठ सरकार है, वो तो झूठी सरकार है। राम 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 राम, झूठी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार। 15-15 हजार बोला था किसी के खाते में आया, 15 लाख 15 लाख बोला था किसी खाते में आया, के जीता था जोधपुर से। हाँ जोधपुर से, जोधपुर से तो अभी माहौल सही नहीं है, लेकिन सपा का ज्यादा माहौल, सपा का ज्यादा माहौल, सपा का माहौल ज्यादा है। क्या बाबू तुम कुछ करना चाह रहे थे क्या? हाँ। क्या कर रहे बताओ, बोलो बोलो। मोदी जी ना सही बात, सही बात है। अच्छा मोदी जी ना सही है, नखले सही है। हाँ। ये देखिए, नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर संसदीय क्षेत्र में है, लोकसभा चुनाव 2024 के दो फेज की वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में जौनपुर पहुंचने का मेरा कारण यही है कि माहौल क्या है, यहाँ माहौल जानने का प्रयास करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ जौनपुर संसदीय क्षेत्र के। ये सिकरारा थाना क्षेत्र है और सिकरारा थाना भी है, उसी के बगल में एक लल्लू भाई की दुकान है चाय पान की, बहुत फेमस चाय पान की दुकान है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। चाय पान की दुकान पे आने का मकसद यही है कि चाय पान की दुकान पे लोग बैठते हैं, राजनीति की चर्चा भी होती है। तो जौनपुर जिले में जो है भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी जहां बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव लगाया है, और बहुजन समाज पार्टी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं यहाँ, हम उससे जानने का प्रयास होगा कि आखिर यहाँ चुनावी माहौल क्या है, लोग क्या समझते हैं। जरा सा कैमरामैन सतीश कहेंगे आगे आइएगा, जो है आइए इन्हीं से शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार यादव। क्या माहौल है? ठीक है, माहौल सही है। कौन कौन जीत रहा है अभी तक, क्या लड़ाई चल रही है, कैसी है लड़ाई? त्रिकोणी है, देखो क्या होता है, त्रिकोणी लड़ाई हो गई है। तो सपा की लहर है यहाँ पे, सपा की लहर है। कैसे कहते हैं सपा की लहर है, क्या बेस है? बढ़िया काम हुआ सपा के राज में। अच्छा हाँ, इस सरकार में काम नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? दुनिया गोरु गाय सब छोड़ छोड़ के बच्चे लोग पढ़ के बेकार बैठे हैं। अच्छा, सरकार पलटना चाहिए, पलटना चाहिए सर। हाँ मतलब आप की राय ये है सरकार चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं चेंजिंग होनी चाहिए? चेंजिंग होना चाहिए। अच्छा, हरदम नहीं है, 5 साल के बाद सरकार को चेंज कर देना चाहिए। क्यों सरकार चेंज होना चाहिए? बढ़िया नहीं है तो चेंज कर दो ना। अच्छा हाँ, काम बढ़िया सरकार का नहीं है तो बदल दो। हाँ, बदल दो। अच्छा, क्या नाम है सर? ये माहौल जौनपुर का कैसे है, क्या देख रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा है, त्रिकोणी लड़ाई है, त्रिकोणी लड़ाई। हाँ, और सपा ज्यादा आ रही, सपा ज्यादा चांसेस, चांसेस ज्यादा सपा का। और ये जो है ये टाइम जो है ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेकार हैं, दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, बेरोजगारी है, इसलिए कुछ पॉलिटिक करना जरूरी है। तो मुद्दा कौन कौन सा ऐसा है जो आप लोग सोचते हैं इससे सरकार बदल जाएगी? मुद्दा यही है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो हैं बेकार बैठे हैं, महंगाई देख ही रहे हो, गैस का भाव देख ही रहे हो, पेट्रोल का भाव देख ही रहे हो, उसमें कहने की क्या बात है? सरकार 5 साल के बाद बदली होना जरूरी था, ये तो 10 साल चले गए। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार तो बड़ा दावा कर रही है 400 पार। बाबा तो झूठ सरकार है, वो तो झूठी सरकार है। राम 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 राम, झूठी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार। 15-15 हजार बोला था किसी के खाते में आया, 15 लाख 15 लाख बोला था किसी खाते में आया, धनराज सब पैसा औरतों का जो जमा था घर में वो भी ले लिया, कुछ पाई वो लोग है, सब गाली दे रहे हैं उसको, तो मतलब भरोसा नहीं? नहीं, 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 वो बदली हो जाना जरूरी। क्या लगता है आपको, बदली हो जाएगा? हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये जहाँ हम हैं ये तो धनंजय सिंह का क्षेत्र है। धनंजय भैया का भी अच्छा है, ये बात नहीं है, लेकिन
एक सीट थोड़ी होता है कुछ, एक सीट से कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, यानी जो इंडिया गठबंधन बना है, हाँ, उसमें हो जाएगा, उसमें जरूर हो जाएगा, अभी नहीं होता कभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा कभी नहीं, अभी नहीं होगा, यानी इस बार माहौल बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी आपको लग रहा है कि जौनपुर सीट गठबंधन श्योरली 100% जौनपुर सीट जो है गठबंधन जीत सकती है, ऐसा इनका कहना है। क्या हाल है भाई साहब? भैया हाल चाल एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया है। अरे क्या चर्चा चल रहा है आपके यहाँ? तो राजनीति दिन भर होती रहती है हमारे यहाँ, मतलब समाजवादी पार्टी की मतलब की लहर चल रही है इस समय, और इस समय समाजवादी पार्टी मतलब चुनाव मतलब जीत रही है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ प्रत्याशी है सदर से, इधर मछली शहर से प्रिय सरोजा के बगल मछली शहर पड़ जाता है, हाँ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी निकल रही है इस समय, निकल जाएंगे, हाँ दोनों सीटें निकल जाएंगी। ये क्यों, क्या बेस पे ऐसा है सर? भाजपा तो दावा कर रही है 400 पार होगा हमारा, जो है 300 की बात नहीं कर रहे, 400 पार मतलब उनकी सब बातें मतलब हवा हवाई है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। अच्छा, और ये जो वैक्सीन लगवाए हैं मोदी जी सबको, हाँ ये भी एक मुद्दा अभी नया नया मतलब बनता जा रहा है, हाँ बनता जा रहा है, लोगों के अंदर डर हो रही है, डर डर हो रही है लोगों के अंदर। अच्छा, भाजपा कुछ भी कर सकती है, जब किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर सकती है तो भाई कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये जौनपुर का समीकरण है, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, किस कैसे मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई बढ़िया होगी जौनपुर में? ये समाजवादी पार्टियों का गढ़ है, यहाँ से कई बार जौनपुर सपा के सांसद रहे हैं जो अकेले चुनाव लड़े हैं, इसमें पीडीए का गठबंधन है, और बाबू सिंह कुशवाहा के आने से समाजवादी पार्टी के मतलब जो और उनका जो जाति समीकरण है वो और मतलब अच्छा हो गया है, यानी जाति समीकरण फिट बैठ रहा है, जाति समीकरण फिट बैठ रहा है। फिर अखिलेश यादव जी का जो काम पहले किए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सब मतलब की उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मतलब 1.5 लाख वोट से जीतेगी। अब यहाँ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी 1.5 लाख वोट से इसलिए जीत सकती है कि जो पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा है, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ है। क्या नाम है आपका? अरविंद। क्या आप जौनपुर का माहौल आप देखते हैं? जौनपुर का माहौल बढ़िया है, अखिलेश कार्यों पे लोग उनको वोट देंगे इस बार, समाजवादी पार्टी को, हाँ समाजवादी पार्टी को वोट देंगे भाई, वो किसी जात धर्म से नहीं है, सबको लेके चलते हैं, इसलिए उनको वोट देंगे, परिवर्तन ही सब चाह रहे हैं, परिवर्तन हो, मतलब लोग चाहते हैं परिवर्तन, परिवर्तन होगा तभी अच्छा रहेगा। सरकार तो बड़ा काम गिनाती है कि हमने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है, गिनाते है तो कहाँ बहुत काम किया है, नौजवान बेचारे बेरोजगार पड़े हैं, नौजवान बेरोजगार पड़े हैं, भर्ती क्लियर हो रही है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तमाम समस्या होती है ना। अच्छा, इन समस्या पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, यानी पेपर लीक उसका भी, हाँ बेरोजगारी का, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। थोड़ा सा ये, क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम विवेक कुमार पाठक है। क्या माहौल देख रहे हैं जौनपुर का फिलहाल? माहौल क्या, राजनीति माहौल हम क्या बताएं, नहीं थोड़ा तो हमको सरकार जब से आई है ये देखिए कई कामों से तो लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पहुंच गया है भाई साहब। बाबा जी तो कह रहे हैं कि गुंडाई एकदम समाप्त हो गई। नहीं नहीं, गुंडाई कैसे समाप्त हो गई, अभी हम उसी के शिकार हुए हैं। अच्छा, क्या? हमारा गांव यही हरिगांव है। अच्छा। और पड़ोसी में कई दिन से विवाद चल रहा है, और उस पर जो है भू एंटी माफिया बनाए हैं उस पर जो है वो, लेकिन भू एंटी माफिया मतलब दूसरे की जमीन कब्जा करने के लिए अभी विवाद हुआ है। अभी तत्काल जो है अपनी जमीन नहीं, दूसरे की जमीन, दूसरे के घर, दूसरे का मड़हा जो है जलाना, दूसरे की हत्या करना, ये इस सरकार में असंभव है। हम क्या करें, कब से पुलिस वालों को फोन कर रहे थे, पुलिस एम्बुलेंस शायद पहुंची है, एफआईआर करने आए हैं, कई बार ऐसा हुआ झगड़ा, लेकिन वो पैसा दे के अपना मैटर दबवा देता है। अच्छा। जो हमारा विरोधी है। अच्छा। अब इस सरकार में लीगल जो है, लीगल आदमी हमेशा परेशान है, और कहीं कोई पैसा दे के अपना चुप के टहल रहा है। तो सरकार को हम क्या बताएंगे, सरकार के से थोड़ा संतुष्ट है पुलिस के काम से विशेष करके? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, असंतुष्ट वही कर रहा है, असंतुष्ट है, क्योंकि जब तक अपराधी जो है, जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तो कौन सी जो है हम सरकार से संतुष्ट रहेंगे। बाबा जी तो कहते हैं सबकी मिट्टी में मिला दिया है, और लोग गुंडे कुछ नहीं मिलाए हैं, गिना चुना लोगों को मिलाए हैं, पता नहीं कई हजार अभी मिट्टी में पल रहे हैं। ये क्या सरकार का अगेंस्ट जाएगा क्या ये सब चीजें, ये सब नाराजगी, जैसे आपकी नाराजगी? ये नाराजगी है, देखिए छोटे छोटे चीजों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अच्छा। कि अगर दस्त जो है बड़े माफिया हैं, कई हजार छोटे माफिया हैं गांव में जो है, जो गरीबों को दबाए रखे हैं और दबंगई करते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा। तो जौनपुर का फिलहाल थोड़ा सा बताया मैम, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए फिलहाल त्रिकोणीय मामला है। अच्छा। यहाँ किसी को बताया नहीं जा सकता कौन जीतेगा,
लड़ाई बहुत कठिन है। भाजपा अपनी दावेदारी रख रही है, बसपा वाले अपनी दावेदारी रख रही हैं, लेकिन जहां तक संभावना है, देखिए इसमें बसपा का पलड़ा भारी है। धनंजय सिंह की पत्नी जो है यहां से चुनाव जीत रही हैं। धनंजय सिंह का इधर क्षेत्र भी है, हाँ, उनका मलनी क्षेत्र है और निर्दल प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनका वोट भी जो है। लकी यादव हैं। फिलहाल लकी यादव यहाँ से विधायक दो बार हो चुके हैं, लेकिन पर्सनल व्यक्तित्व अगर वोट देखा जाए जितना लोकलिटी में जितना धनंजय सिंह का है उतना किसी का यहाँ है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश यादव। अच्छा, थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या आप जौनपुर का माहौल देख रहे हैं? जौनपुर का माहौल चुनावी माहौल तो है ही, उसको तो आप जान ही रहे हैं। और यहाँ तो सूर्यदेव की भी पारा गर्म है, राजनीति का माहौल भी पारा गर्म है, गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है, सभी दलों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है, लड़ाइयां हैं। जो बेहतर लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। क्या देख रहे हैं आप? जो चर्चा हो रहा है, जो पीडीए का बोलबाला दिख रहा है। अच्छा, पीडीए यहाँ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, यानी अखिलेश ने जो पीडीए के तहत प्रत्याशी उतारा है उसका लाभ उनको मिलता दिख रहा है? उसका लाभ उन्हें मिलता दिख रहा है, उसका लाभ, पीडीए का लाभ उन्हें भरपूर मिल रहा है। यही नहीं जनपद जौनपुर में, यही नहीं मछली शहर में भी उसका, पूरे पूर्वांचल के, मैं कहता हूँ पूरे यूपी में उसका लाभ मिल रहा है। यदि भाई अगर हम वही बात करते हैं कि कोई गड़बड़ी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न किया जाए, तो अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी व्यवस्थाएं जो हमारी संस्थाएं हैं अगर वो निरपेक्ष होकर के इस चीज को देखें तो हमें कोई पीडीए को कोई दिक्कत नहीं है, पीडीए आगे रहेगी। ये गठबंधन सरकार बना सकती है कि नहीं, आपकी निगाह में क्या लगता है? सरकार बना सकती है, जिस तरीके से मोदी जी का विरोध हो रहा है हर जगह, ये नहीं कि ये हिंदी पट्टी यानी उत्तर भारत को आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत को भी देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो पढ़े लिखे लोगों में, वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन आपने जिस तरीके से जनता को कोरोना के काल में, ऐसे जिसका कोई एक दो बार रिसर्च करके, कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उसमें लगभग 10 साल 15 साल 12 साल 5 साल लग जाते हैं उसको रिसर्च करते करते। आपने क्या किया, आपने चंदा के दम पे उसको 2-4 महीने में लॉन्च करके लोगों में लगवा दिया। नहीं तो उस समय तो बहुत जल्दीबाजी भी थी, कोरोना एक बढ़ता बीमारी थी, बीमारी थी, उसका प्रबंध होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए था। वैक्सीनेशन बहुत ही जटिल है, आपके हमारे साथ जो धोखा हुआ है ये भी मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल मुद्दा बन जा रहा है, क्यों नहीं बनेगा? अच्छा, मुद्दा बनेगा, मुद्दा जबरदस्त है। इसमें जो पढ़े लिखे जिन्होंने लगवा ली है, ऐसे ऐसे लोगों, नवयुवकों की मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि हम कह रहे हैं कि आप अगर उस पर थोड़ा धैर्य दिखाते, चीजों को कंट्रोल करते तो शायद बेहतर होता, उसका परिणाम और अच्छा होता। लेकिन जिस तरीके से आपने केवल अपने नाम के लिए, विदेशों में नाम बजवाने के लिए सब हर जगह फर्जीवाड़ा करके आप वैक्सीनेशन करवा दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका सबसे बड़ा रहा, जिसमें उस कंपनी ने, वैक्सीनेशन वाली कंपनी ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने आपको सबसे बड़ा चंदा दिया है, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? यानी आपका कहना है कि कहीं नहीं कि खेला हुआ है उसमें, खेला हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है, युवाओं के साथ खेला हुआ है, महिलाओं के साथ खेला हो रहा है, बहुत सी सारी ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन उस पे यदि आप और पीडीए जो इंडिया गठबंधन है वो मुद्दा को बेहतर अगर बना रहे हैं तो ये मुद्दा बेहतर बनता जाएगा, जनता के बीच में ये सब चीजें लेके यदि जाएंगे तभी सफल होंगे। जनता इसको जितना बेहतर ये बना सके, जितना बेहतर उसको बता सके, वो जनता उसका लाभ इन्हें देगी, उसका लाभ इन्हें मिलेगा। और लेकिन पीडीए का जो वो चल रहा है, यहाँ यूपी का माहौल जो चल रहा है वो पीडीए के साथ जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भाजपा कह रही है कि 80-80, आपको क्या लगता है विपक्ष कितना है? बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं 50-50 जा रहा है, 50-50 मुकाबला हो गया है। यानी वो सब बातें हवा हवाई है, बिल्कुल हवा हवाई है। मामला यहाँ पीडीए गठबंधन को वो 1-2 सीटें ज्यादा जा सकती है या फिर बीजेपी 1-2 सीटें ज्यादा सकती है, लेकिन मामला 50-50 का है, वो एक तरफा नहीं है, कम 80-80 ले रहे हैं। यानी वो इस बार मोदी जी की लहर वो नहीं दिख रही है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही। देखिए, जौनपुर में मैं लगातार हूँ और जौनपुर में जानने का प्रयास यही हो रहा है कि आखिर ये माहौल क्या है जो है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या माहौल, क्या जीता था?
जौनपुर से? हाँ जौनपुर से। जौनपुर से तो अभी माहौल सही नहीं है, लेकिन सपा का ज्यादा माहौल, सपा का ज्यादा माहौल, सपा का माहौल ज्यादा है। अब वो फाइनल तो 25 के बाद ही मालूम पड़ेगा। माहौल तो इलेक्शन के गिनती के टाइम ही मालूम पड़ेगा, वैसे माहौल तो सपा का है। सपा का माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है। जौनपुर से? जौनपुर से। अच्छा, और मछली शहर दोनों से? दोनों से, दोनों से। अच्छा, मछली शहर का तो पक्का है। सरकार तो कह रही है ना कि हम इस बार फिर हम आएंगे सत्ता में? सरकार तो आएगी रे, प्रशासन उनका है तो आएगी। अच्छा, फिर तो आप तो कह रहे हैं कि थोड़ी जीतती है इलेक्शन से मोदी सरकार, कभी नहीं जीतेगी, प्रशासन को दबाव डाल के जीतती। समर बहादुर जी, क्या माहौल देख रहे हैं जौनपुर? जौनपुर माहौल तो ठीक है सर, एकदम। बताइए, बिल्कुल बताइए, आप क्या आप समझते हैं, कितना जानते हैं, क्या है? नहीं सर, यहाँ तो हम लोग समाजवादी वोट देंगे। समाजवादी वोट देंगे? हमारा पड़ता है मछली शहर लोकसभा। अच्छा, मछली शहर पड़ता है, लेकिन दोनों का क्या माहौल है? कौन बीच यहाँ पे भैया जी का है, इनका है उधर जौनपुर में, धनंजय 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 का माहौल बहुत बढ़िया है। हमारे बगल में ये मतरी पड़ गया है, और इधर सुजानगंज बेल्ट में सब भैया गए। लेकिन आपने कहा था हमसे समाजवादी को देंगे। नहीं, हमारा पड़ जाता है, हमारा मछली शहर लोकसभा पड़ता है। यहाँ का आप जो है, हमारा एकदम सटा हुआ है, हमारा नंबर एक बूथ है लोकसभा बूथ नंबर एक, हमारा मछली शहर है, सटा है। इसके बगल में हमारे बगल में पूरा गाँव है, पूरा सब धनंजय भैया देंगे, सब टोटल पूरा झारम झार। ये धनंजय का क्षेत्र भी है, जैसे कि हम बता दें आपको, धनंजय सिंह के क्षेत्र में ये जो है, ये सिकरारा जो है, ये क्षेत्र धनंजय सर, यहाँ से लेकर सुजानगंज तक मैं बात कर रहा हूँ, मुंगरा तक। नहीं नहीं, ये उनका घर का आसपास, ये अपना सब घर का देखेंगे, और जितने भी पटेल लोग हैं और भी ज्यादा बिंद है, सब उन्हीं को देंगे। और दूसरे और एक जन आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा समापन करेंगे, इनसे भी बात कर लें। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब डॉक्टर अनिल यादव, अध्यापक हूँ डिग्री कॉलेज में। क्या माहौल देखते हैं? माहौल यहाँ जो है, त्रिकोणी अभी बन रहा था, लेकिन अब सुनने में जो आ रहा है, अब सपा और बसपा की यहाँ लड़ाई है। बीजेपी लड़ाई से बाहर जा रही क्या जौनपुर? लड़ाई से बाहर जा रही है हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस बात की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन तुलनात्मक रूप से अभी तो बैकफुट पर है। किस हिसाब से कह रहे हैं? जो लोगों का व्यू मिल रहा है चट्टी चौराहे पर, जो बातचीत हो रही है, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। चट्टी चौराहे पे हो रहा है? हाँ भाई, देखिए यही तो है ना, एग्जिट पोल। माहौल जानने के लिए मैं आया हूं। यही तो बाहर रूप से क्या पोल मिल रहा है लोग, तो उस आधार पे हम कह रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं हम है कि हम बता दें। तो एक पैमाना तो लोग जाते हैं, जाति गणित भी तो समझने का प्रयास होता है ना। जाति गणित देखिए वो अलग चीज है, ठीक है। अब उसके विषय में आप भी बहुत कुछ एनालिसिस किए होंगे, ठीक है, जान रहे होंगे। जैसे ये बीजेपी की बात हो रही है कि बीजेपी यहाँ पहले ये होता था त्रिकोणी लड़ाई में है, अब आप कह रहे हैं बाहर है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं धनंजय सिंह के आने से बीजेपी का नुकसान हो रहा है, यही कहना चाहते हैं? हाँ कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, नुकसान कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, कह सकते हैं। अब समय तो लड़ाई यही सपा और बसपा में दिख रहा है। सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है अभी तक? अब सरकार के कामों से हम क्या, जैसे हम अगर शिक्षा विभाग का ही लें, अब समझिए कि 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी यह आयोग नहीं बना पाए, और आयोग न बनाने की वजह से जो शिक्षा विभाग में भर्तियां हैं, वह एक भी भर्तियां हो नहीं पा रही हैं। तो शिक्षा विभाग में तो बहुत अच्छी स्थिति, शिक्षा विभाग से तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई शिक्षक भी इनसे खुश नहीं है। लास्ट बताइए, छोड़िए तो बेरोजगारी का है सब, यहाँ का कौन जीत जाएगा लास्ट में, आपको क्या लगता है? यहाँ जो है, हमें लग रहा है जो है यहाँ इस समय बाबू सिंह कुशवाहा फाइटिंग में है, और साथ में यह भी है बसपा से श्रीमती श्री कला धनंजन सिंह। हाँ क्या बाबू, तुम कुछ करना चाह रहे थे क्या? क्या कर रहे हैं बताओ, बोलो बोलो। मोदी जी ना सही है, अखिलेश सही बैठे। अच्छा, मोदी जी ना सही है, अखिलेश सही है। हाँ। ये देखिए, ये दुकान पे जो है एक लड़का था, ये जो है मिला जुला कर यहाँ हम पहुंचे हैं। लोगों का ज्यादातर ये कहना है कि यहाँ लड़ाई जो है त्रिकोणी, फिर
कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बसपा से सीधा मुकाबला होता दिख रहा है, बीजेपी लड़ाई से बाहर होती जा रही है, या लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। फिलहाल 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन लड़ाई जौनपुर की बड़ी दिलचस्प हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा दांव लगाया है, वहीं बसपा ने धनंजय की पत्नी श्री कला को यदि टिकट दे दिया है, उससे जो है समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।